देख सकते हो गाइस, आज मैं आप लोगों को जहाँ पे मौला अब्बास के बाजू शहीद हुए थे मैं वहाँ पर लेकर के आया हूँ, और यहाँ का क्या वाक्य है मैं आप लोगों को पूरा जानकारी करके बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आँखों से जो नबीना होते हैं वो यहाँ पर मस्क से पानी कुछ इस तरीके से पिलाते जा रही है। यहाँ पे छवि बनाई गई है मौला हुसैन के जो घोड़ा था जुलजना। मैं आप लोगों को एक ऐसे सुरंग पे या ऐसे रास्ते पे लेकर के आया हूँ जिसे कहा जाता है मकाम जाफर ए जिन, यानी ये जिन्नत जो जिन्नतों का सरदार था जाफर उसका मकाम है। तो यहाँ का क्या वाक्य मिलता है जनाब? तो आप देख सकते हो 1,50,000 रुपए का भाई ये कड़ा बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कड़ा है। मौला हुसैन के शेर से मंसूब करा गया है, और यहाँ पर ये शेर फिजा यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी। क्या वाक्य मिलता बताओ? यहाँ पे कपड़े दिए जाते हैं, यहाँ पे मस्क करके आप अपने घर पे ले जा करके ताबीज बना करके पहन सकते हैं या फिर यहाँ पे बांध सकते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم गाइस, फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के जा रहा हूँ यहाँ पे 3 ज़ियारतों पे, जहाँ पे जाफर जिन का मकाम है वहाँ पर लेकर जाऊँगा, और बाकी जगह और जहाँ पर मौला अब्बास के बाजू शहीद हुए थे वहाँ लेकर जाऊँगा, और मौला हुसैन के शेर के मकाम पे लेकर के जाएंगे। आप जब भी आओगे ना, जब भी देखेंगे ना, आपको यहाँ पे तबर्रुक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। हर जगह लंगर आम जारी है, देखिए माशाल्लाह कितनी लंबी लंबी लाइन लगा करके लोग तबर्रुक लेने के लिए यहाँ। और ये देखिए यहाँ के जो घर मकान पुराने ज़माने के ऐसे कुछ मिट्टी के मकान बनते थे, देखिए है ना, यहाँ पुराने ज़माने के घर मकान मिट्टी के बनते, ठंडा करते मिट्टी के घर। ये गलियाँ करबला की गलियाँ हैं, ये देखिए सामने आप घर दिख रहे हो कच्चा घर, यहाँ पर भी कच्चे और पक्के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बन गई हैं अब पुराने। हाँ तुमने बताया जाफर जिन मकाम, बहुत अच्छा। ये जो जिन्नात था तो इसके बारे में कहा जाता है बहुत ताकतवर जिन था ये, है ना। अच्छा जिन्नातों का सरदार था ये। देखो भाइयों से भी कंफर्म करा मैंने, तो भाई ने कहा मकाम में जाफर जिन है। यहाँ पे लोग क्या करते? अच्छा कैंडल लगाते हैं, और अपने अपने हिसाब से अकीदे के हिसाब से ना। अच्छा अच्छा ठीक। वो एक ऐसे सुरंग पे या ऐसे रास्ते पे लेकर के आया हूँ जिसे कहा जाता है मकाम जाफर ए जिन, यानी ये जिन्नत जो जिन्नतों का सरदार था जाफर उसका मकाम है। तो यहाँ का क्या वाक्य मिलता है जनाब? यहाँ ये वाक्य है कि जाफर ए जिन के पास दो लोग आए जी कि आपके सरदार के बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल हो रहा है आपके आका का जी। तो फौरन अपने हाथ में गिजा थी जी, वो फेंक के जी गए और इमाम हुसैन के पास पहुंच गए जी। और इमाम हुसैन के पास पहुंचने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ अंबियाओं जिब्राइल मकाइल सब लोग यहाँ मौजूद थे जी। तो वो जाफर जिन ने कहा कि मुझे रजा दीजिए शहीद होने के लिए जी। तो इमाम ने फौरन ने नहीं कहा जी, जहाँ से वहाँ से चले जाओ जी। जाफर जिन ने कहा था कि मैं एक पल में जी सब लश्कर खत्म कर दूंगा जी। तो इमाम हुसैन ने फरमाया देखो तो एक पल मानने की जरूरत है मुझे, उससे भी पहले मैं सबको खत्म कर दूंगा जी। तो जाफर जिन यही मकाम पे रहेंगे, यही मकाम पे रहेगा ठीक है। देखिए यहाँ पे छवि बनाई गई है मौला हुसैन के जो घोड़ा था जुलजना, तो देखिए उसकी छवि बनाई गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत घोड़ा था उस टाइम का, छवि बनाया गया है। ये मौला हुसैन का घोड़ा था देखिए जुलजना, जो मौला हुसैन के साथ ही शहीद हो गया था ना। तो आप देख सकते हो ये मौला अब्बास का रोज़ा है, वहाँ सामने मौला हुसैन का रोज़ा है, और यहाँ मौला अब्बास के रोजे से सीधा ये गली जा रही है। ये बिल्डिंग याद रखना, ये नाम याद रखना आप, ये जस्ट बाजू से ही गली जा रही है, इसी गली से हम लोग होकर के जा रहे हैं शेरे फिजा। अब शेरे फिजा यहाँ पे क्या वाक्य है वो वहीं जाकर के आपको बताएंगे। यार ये कितने खूबसूरत आलम मिल रहे हैं, वो ताबीज़ भी मिल रहे हैं यार, देखिए ताबीज़ भी मिल रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आप ले जा सकते हो, लॉकेट भी मिल रहा है। सुभान अल्लाह देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत अंगूठियाँ हैं। तो आप देख सकते हो 1,50,000 रुपए का भाई ये कड़ा बता रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत कड़ा है, अगर आपको चाहिए तो आप ले जा सकते हो। और दिस हाउ मच अंगूठी? दिस मौला अली
हाँ यस, हाउ मच? अच्छा ये सब चांदी की हैं, अब ये कितने की है ये देखना पड़ेगा। 20,000 20,000 रुपये की बता रहा है। इंडिया कितना हुआ ये चांदी की? सच में 12-1300 रुपये की चांदी की। ओके आई विल कम बैक। ओके देखिए यहाँ पे कहा सस्ती भी अच्छी भी चीज़ें मिलती है यार। देखिए सामने की गली से अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ बाजू में एक गली रहेगी, पर अंदर नहीं जाना है, अभी भी आपको स्ट्रेट सीधा जाना है। देखिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जगह जगह आप लोगों को लंगर ही लंगर मिलेगा माशाल्लाह। ये देखिए हर जगह आपको इस तरीके से क्या बोलते पानी, ये क्या मिल रहा है, क्या है ये शरबत है क्या? छाछ इंडिया की? अच्छा इंडियन छाछ, हम भी ले लेते हैं यार, देखते हैं कैसी है। इसके सुन ओके, देखिए यहाँ पे हमको इंडियन छाछ मिली है यहाँ पर, बहुत सस्ती, मतलब हर जगह खिदमत है खल के यहाँ पे जारी है, बहुत अच्छा। देखिए जगह जगह पूरे करबला शरीफ में आप जहाँ पर भी जाओगे ना, जगह जगह आप लोगों को इस तरीके से लंगर आम मिलेगा। आज भी यहाँ पे लंगर आम जारी है, मतलब यहाँ पे पूरा एक महीना डेढ़ महीना पूरा लंगर आम जगह जगह जारी रहता है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए जगह को मौला हुसैन के शेर से मंसूब करा गया है, और यहाँ पर ये शेर फिजा यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ के बता सकते हैं, ये पूरी ज़ियारत लिखी हुई है। अच्छा ज़ियारत लिखी हुई है, और इसके अंदर कुछ है अंदर? अच्छा बीबी फिजा शेर को बुलाए थे। अच्छा ये पूरा मकाम है। हाँ अच्छा, और ये शेर का नाम अबू हारिस था। अच्छा ये है ज़ियारत की जगह, देखिए बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। आप आए यहाँ पे ज़ियारत करके ज़रूर जाए। देखिए सुभान अल्लाह, यहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ के बारे में। देखिए पूरा मकाम बनाया हुआ है लोगों ने धागे, और यहाँ पे ये कपड़े बांध के पन्नी बांध करके दुआई करी है। देखिए हम लोग शेर फिजा मकाम पर आए हुए हैं, तो हम तकी भाई से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम तकी भाई। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ का क्या वाक्या मिलता है, जी बताइए। ये वो मुकाम है जहाँ पे बीबी फिजा इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के लाशें की हिफाजत के लिए जी शेर को आवाज दिए थे जी, उसका नाम था अबू हारिस जी, तो इमाम हुसैन के बचपन का सारा दोस्त था जी, तो उसको आवाज दिए थे। तब जब आवाज दिए, जब शेर आया और इमाम हुसैन के लाशें की हिफाजत करा दुश्मनों से जी, ताकि वो लाशें को पामाल ना करे। माशाल्लाह, तो ये वाकया आपने बचपन से भी सुनते हुए आ रहे? और सुनते हुए आया। हाँ और यहाँ पे आए तो ये मुकाम ज़ियारत ज़ियारत करिए। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पे कई लोग आते हैं ज़ियारत कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर शेर की छवि बनाई गई है। देखिए ये देखिए फाइनली मौला अब्बास की बारगाह के जस्ट बैक साइड में ही क्या बोलते कफे अब्बास है, यानी जहाँ पे बाजू शहीद हुआ था उनका, वहाँ पे पूरा बनाया गया है। तो अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो स्पेस है ना बहुत बड़ा स्पेस है, आप देख सकते हो, और बहुत सारी ज़रूरतें आप कर ज़रूरत करके जा सकते हैं आप। सुभान अल्लाह, ये देखिए यहाँ पर अभी साफ सफाई हो रही है। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर क्या हुआ था? ये करबला का मैदान है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे रेत आज उठाई जा रही है, क्या वाकया मिला आज? आज क्या हुआ था? बनिया सब के औरतें आज आई थी जी, जो इमाम हुसैन ने कत्ल से पहले बोले थे, तो जब भी मतलब उनके जब लाशें बेकफन जब रहेंगे मैदान में जी, तब आके हमारे कब्रों पर थोड़ी थोड़ी मट्टी डाल दो बोल के इनके मर्दों को बोले जी। अगर उनके मर्द डरे कि मेरी हमारी जान का कुछ डर है बोले, तो उनकी औरतें को भी आके उनके कब्र पे मिट्टी डाले जी। अगर औरतों को भी अपनी जान का डर है
तो उनके बच्चों को बोले कि इमाम हुसैन खेलते खेलते अपने हाथ में मट्टी लाओ मेरे लाशों से डाल दो, अल्लाह के बोले थे। तो वो आज भी बाकी है कि वो 13 मुहर्रम को आएंगे, आए और उनकी खबर पे मिट्टी डाल के जाने का जो रिवाज था वो मिट्टी ये लोग डाले जी। तो ये लोग उसकी सफाई करते। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिये यहाँ पे ये जो वाकया मिलता है, वहाँ का पूरा वाकया होने के बाद अब पूरा जो रात पूरे रोड पे मिट्टी बिछाए थे वो अब मिट्टियों को उठा करके लेकर के जा रहे हैं, पूरा अंदर हरम तक मिट्टी को बिछाया। अच्छा, ये कफे अब्बास है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट निशाना है, बोला का यहाँ गिरा था। देखिए आज भी जायरीन आते हैं यहाँ पे, ज़ियारत करते हैं। देखिए हम लोग कफे अब्बास पे आ चुके हैं जी, क्या वाकया मिलता है बताओ। ये इमाम जी, तो जब वहाँ पर जब सीधा शाना खलम हुआ था जो बाजू है जी, तो जब हजरत अब्बास बोले के लिए वहाँ पर अगर जाएंगे तो हाथ नहीं है पानी भरेगा क्या करूँ, तब हजरत अब्बास ने अपने आप को नर्रे आदा में जी डाल दिया जी। तो इनकी मजार आज यहाँ पर है। अच्छा, ये वाकया मिलता है, ठीक है। देखे आज भी जायरीन आ रहे हैं, शरत कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। देखिए ये पूरी गली है, और आपको कर्बला की जब आप गलियों में आते हैं ना, तो आपको हर एक जगह वो मकाम आपको दिखेंगे जहाँ जहाँ पर कोई ना कोई निशानी है मौजूद, तो उस निशानी के आज भी लोग आते हैं, ज़ियारत करते हैं और ज़ियारत करके जाते हैं। देखे यहाँ पे कपड़े दिए जाते हैं, यहाँ पे मस्क करके आप अपने घर पे ले जा करके ताबीज बना करके पहन सकते हैं या फिर यहाँ पे बांध सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट हाथ शहीद हुआ था और दायां हाथ कहाँ पे शहीद हुआ था वो भी आप लोगों को दिखाने लेके जा रहे हैं। और हमारे हुसैन भाई कुछ लेने जा रहे हैं, हुसैन भाई क्या लेने जा रहे हैं आप? अच्छा बैनर, अच्छा आशूर खाना के लिए, अच्छा अच्छा, और सजदा गाह भी लेंगे शायद, क्योंकि यहाँ का जो सजदा गाह यानी खाकी शिफा का बनता है वो, माशाल्लाह, ठीक है ओके। और ये मौला अब्बास की बारगाह है, हाँ देखिए यहाँ पर ये मौला अब्बास की बारगाह है, और यहाँ पर है ना 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए यहाँ हेलीकॉप्टर घूमता रहता, अभी हेलीकॉप्टर दिखेगा तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ ये देखिए यहाँ राउंड हेलीकॉप्टर सिक्योरिटी के लिए 24 घंटा मारता रहता है ना, 24 ये देखिए टूर आया हुआ, ये कहाँ का इराक है, ये देखिए भाई का पाकिस्तानियों भाइयों का टूर है, यहाँ पे पाकिस्तानी भाइयों का टूर सबसे ज्यादा आता है। कश्मीर से हो माशाल्लाह, देखिए कश्मीर का इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया कश्मीर से हो माशाल्लाह, हम भी इंडिया से ही है। तो देखिए यहाँ पे जरत के लिए आए हुए हैं हमारे भाई सारे, कश्मीर से टूर आया हुआ है। आप कब आए थे यहाँ पर जी? अच्छा ठीक है, जरत जरत पे आए हैं सारे टूर को लेकर। अच्छा कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं आप लोग? अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे कश्मीर से सारे भाई, इंडिया के कश्मीर से यहाँ पे लेकर के आए, देखे गुरु कश्मीर, देखिए माशाल्लाह बहुत बड़ा बड़ा टूर आता है यहाँ पे। ये देख, हाँ राइट साइड का शाना, मतलब अच्छा, एक माँ हुआ था एक माँ शहीद हुआ, हाँ दोनों हुए बाद उन्होंने नजर आजाना चले गए। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब यजीदी फौज के सामने चले गए। यहाँ पर देखिए ये पूरी गली है, अब यही से पूरा रास्ता भी मैं बाहर से दिखा दूंगा आपको रास्ता इंशाल्लाह। यहाँ पे भी पूरा मार्केट, मतलब आप जिस भी गली पे जहाँ पे भी जरूरत के लिए जाएंगे ना, तो आपको मार्केट आपको जरूर दिखेगा यहाँ पर। देखिए कहाँ पे? अच्छा ये अल्लाह अकबर। ये देखिए ये यहाँ पे राइट हैंड जब कलम हुआ था, शहीद हुआ था यहाँ पर, तो वो यहीं पर गिरा था, तो यहाँ पे ये पूरा जरत का बनाया गया है। ये देखिए कपड़ा को दिया जाते हैं यहाँ पे मस्क करने के लिए और बांधने के लिए,
देखिए यहाँ पे शम्मा जलाई गई है, देखिए हजरत अब्बास का राइट हैंड यहाँ पर शहीद हुआ था। देखिए बहुत सारे जायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए, हर जगह अपना यहाँ पे मकाम बनाया गया। देखिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ज़ियारत है। देखिए यहाँ पे फोटो अंदर लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पर फोटो बनी हुई है। जब पानी के लिए रहने प्लस में गए थे तब उनका हाथ शहीद किया गया था जी। हाँ यहाँ का क्या वाक्य है बताइए। यहाँ पर हजरत अब्बास का सीधा शाना कलम हुआ जी, और यहाँ मशक पे तीर लगा जी, तो मौला अब्बास वापस पलट रहे थे जी, तब यहाँ पर सीधा शाना कलम हुआ। तो यहाँ से मौला वो जो दूसरे शाने जहाँ पर कलम हुआ दूसरा तब मौला बोले कि पानी ख़त्म हो चुका है जी, और खेमे में जा क्या करूँ, तो अपने आप को यजीदी लश्कर में लेकर चले गए। अच्छा तो मतलब जब पानी लेने गए थे तो सबसे पहले उन्होंने मस्क में तीर मार दिया कि पानी ना ले सके। नहीं, पानी भर के लौट रहे थे जी, तब मस्क में तीर मारे। अब फिर उसके बाद में जब लौटे पानी भरने के और ये हमला ना करे इसीलिए उनका हाथ कलम कर दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखिए यहाँ का ये वाक्य, जैसे कि आपको पता है गाइस कि मैंने कपड़ा लिया है, तो वो कपड़ों को मैं मस्क करके अजमेर लेके जाऊंगा। वैसे यहाँ पे ताबीज मिलती है, देखिए तो ताबीज़ भी बना सकते हैं, जो आपको बनाना हो अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ की खा के शिफा का पूरा सजदा का बना हुआ है, यानी इसमें सर रख के नमाज पढ़ते हैं शिया मुस्लिम जितने भी हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सजदा का है पूरा खा के शिफा का बना हुआ है, ज़ियारत है वारिसा इमाम हुसैन की ज़ियारत लिखी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इमाम हुसैन का नाम है। यहाँ पे छल्ला बिक रहा है चाबी का, यहाँ पर आप ले सकते हो, आपको अगर चाहिए तो आप ले जा सकते हो। ये हाथ में पहनने के लिए यहाँ पे देखिए लॉकेट मिल रहा है पत्थर, देखिए ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं एक रास्ता यहाँ से भी अगर आपको जाना है यहाँ से जा सकते हो। और दायां हाथ का जो जहाँ पे शहीद हुआ था यहाँ पे कलम हुआ था ये रास्ता एक, ये आप देख सकते हो यहाँ से मौला अब्बास की बारगाह से सीधा ये बिल्डिंग याद रखो, और यहाँ से गली के अंदर जा सकते हैं आप ज़ियारत के लिए। आपको पूरा रूट बताते हुए मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ। देखिए इस गली के अंदर जाना है आपको, इसी गली के अंदर ही है। ये देखिए जो आप टोकरी देख रहे हैं सर पे, इसी टोकरी पे मिट्टी लेके आए बनी असद का काफिले वाले, बनी असद के काफिले वाले जितने भी लेडीज थे इसी टोकरी में मिट्टी भर भर के लेकर के आए, और आज के दिन यहाँ पे दरबार पे मिट्टी पेश करी गई इमाम के बारगाह पे। ये देखिए अभी भी लेकर के आ रहे हैं शायद, देखिए अभी भी लेकर के आ रहे हैं। और आज स्पेशल जो डे है मतलब हाँ 13 मुहर्रम, और 13 मुहर्रम को ही सिर्फ लेडीज लोग ही अंदर जा कर के क्या बोलते हैं पर्सा पेश कर रहे हैं, जरत कर रहे हैं। देखिए चारों तरफ यहाँ पे लाइन लगा करके लंगर आम जारी है माशाल्लाह। जनाने के लिए अलग लाइट लाइन है और मर्दाने के लिए अलग है। देखिए यहाँ पर जेंट्स हजरात अलग लाइन लगा करके यहाँ पे लंगर, यहाँ पे जगह जगह यार लंगर आम जारी, ये सबसे बड़ी बात है ना। देखिए माशाल्लाह यहाँ पे सबसे अच्छी और बड़ी बात ये है करबला शरीफ में इस तरीके की जो गाड़ियाँ जितनी भी चल रही है ना ये फ्री सर्विस दे रहे हैं ना, जायरीनों के लिए फ्री सर्विस दे रहे हैं। जहाँ पे भी आना है जहाँ पे भी जाना है आप जा सकते हो, ये देखिए फ्री सर्विस है यहाँ पर सुभान अल्लाह, है ना। देखिए ठंडक के लिए बच्चा पानी मार रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो जाहिर सी बात है खिदमत खल्क कर रहे हैं ये लोग। देख कितना क्यूट बच्चा है माशाल्लाह, जायर जायर सही बात है। यहाँ पे देखिए हर जगह टोकरी लेकर के बनी अशद की जो औरतें आज मिट्टी लेकर के आए तो यहाँ पर दिख रहा। देखिए हरम शरीफ में जब आप आएंगे तो आपकी नज़र भली ना पड़े पर यहाँ पर ये जो जितने भी पेड़ लगे हैं इनमें सब में आपको खजूर नज़र आएंगे। देखिए माशाल्लाह खजूर देखिए लगे हुए हैं सब में सुभान अल्लाह। तो आप देख सकते हो ये पानी की बोतल है, अब इसमें हम लोगों ने पानी को डाल के लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत पाक पानी है, ये मौला अब्बास की बारगाह का पानी देख सकते हो। तो इसको हम लेके जाएंगे, बीमार जो लोग होते हैं वो उसको पीने के बाद इंशाल्लाह शिफायत हो जाते हैं।
तो आप देख सकते हो मौला हुसैन की बारगाह के पास में जैनब टैकरी है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, अब यहाँ के बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर जारीनों के लिए मजलिस की जगह बनाई गई है, आशूर खाना कह सकते हो। नहीं नहीं, मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए मौकिब है भाई। अच्छा, इधर नमाज भी पढ़ते हैं। अच्छा, ये मौकिब बनाया गया आर्टिफिशियल। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, देखिए आर्टिफिशियल मस्जिद बनाई गई है, और खोल देते हैं। अरे वाह, सुभान अल्लाह, देखिए। और ये मकाम है कोई, है ना, ये कोई मकाम बनाया गया यहाँ पर, देखिए लिखा हुआ है ना, पढ़ा ना क्या लिखा। जी, कौन सा एरिया ये? जी, वहाँ से 72 के मौला हुसैन की जरी से मकाम बदल रहा है ना, जो मौला का जी से, ये 72 कदम दूरी पे है जी। और ये ऊंचा मकाम है, और जो जरिए इमाम हुसैन है वो नीचे सरकार में जी, नीचे होता है जी, मौला बन गया, ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, अब ये नायब आर्किटेक्ट करके अंदर बना रहे हैं, ये शबी के तौर पे बना दिए। हाँ, वहाँ पर है अंदर, जिसका काम अभी मौला हुसैन को जो खत्म किया गया जी, मकाम से 72 कदम की दूरी पर शहजादी ज़ैनब जो ठहर के देख रही थी जी, उसको पहले ज़ैनबिया कहा जाता है जी, जिब्बा था जी, उसके ऊपर शहजादी ठहर के देख रहे थे, खत जो शहादत हुई वो देख रहे थे, वो मंजर का मकाम का नाम है तल्ले ज़ैनबिया। ये यानी यहाँ पे पहले एक छोटा सा पहाड़ था। हाँ, ये पहाड़ पर ही रोजा बनने के बाद, देखिए यहाँ पे आँखों से जो नबीना होते हैं वो यहाँ पर मस्क से पानी कुछ इस तरीके से पिलाते जारीनों को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरब में आप देख सकते हो, मैं करबला शरीफ में हूँ, यहाँ पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है ना, और ये नबीना आँखों से बंदा पानी पिला रहा है मस्क से, आप देख सकते हो यहाँ पर, माशाल्लाह माशाल्लाह। आंखों से अंधा है फिर भी पानी पिला रहा जारीनों को, कितना बड़ा मर्तबा इसको मिला हुआ, कितना बड़ा मुकाम इसको मिला हुआ है, बेशक सुबह। देखिए जारीन यहाँ पर आकर के वजू कर रहे हैं, देखिए देखिए जारीन यहाँ पर वजू कर रहे हैं, नमाज का टाइम हो गया है, जारीन यहाँ पर वजू कर रहे हैं। और ये पूरा देखिए यहाँ पे परचम, देखिए यहाँ पे परचम है उसे लहरा रहा है, और ये पूरा फाउंटेन बनाया गया, देखिए तलवार है यहाँ पर, और यहाँ पे वो कवच है, और ये पूरा फाउंटेन बनाया हुआ देखिए, और पानी उछल उछल के गवाही दे रहा है कि मैं हुसैन का हूँ, बेशक सुभान अल्लाह। तो गाइस फाइनली अब मेरा नेक्स्ट पार्ट आएगा मौला अली के बारगाह का, यानी नजफ शरीफ का, तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि आपको समझ में आए। मैंने मौला अब्बास के जो बाजू जहाँ पे शहीद हुए थे वो बता दिया है, और भी पूरा मौला अब्बास की बारगाह का ज़िरत करा चुका हूँ वीडियो पे, मौला हुसैन के बारे में, उनके जरिए के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना ताकि समझ में आए। तो मिलते हैं, शुरू में, बाय, अल्लाह हाफिज़।